हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मित्रों पिछले वीडियोस में हमने बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र 7 एकांकियों में से सभी एकांकियों का अध्ययन किया है और उन एकांकियों में मित्रों फर्स्ट एकांकी उत्सर्ग थी, द्वितीय तावे के कीड़े और तृतीय एकांकी आपकी आ गई है नया और पुराना। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियोज में सभी क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नया पुराना एकांकी के अंदर, जो कि नया को यथार्थ कहा गया है, पुराना को आदर्श। तो पुराना कौन हुआ? आदर्शवादी विचारों का, उत्तम विचारों का कौन है? देवचंद। और यथार्थ यानी रविदत्त, जो कि यथार्थ आज के वर्तमान समय की स्वार्थपरता, लोलुपता, बेईमानी, विश्वासघाती इस तरह का है। तो आप समझ गए होंगे। अभी आप देखते हैं एकांकी नया पुराना में क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। उसमें मित्रों क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखेंगे आप आगे। नया पुराना में जो पात्रों के चारित्र चरित्रण है वो क्या है, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो नया पुराना एकांकी के पात्रों के चरित्रण पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। संक्षेप में प्रकाश डालिए। एकांकी के एकांकी पात्रों का चरित्र चित्रण। अभी मित्रों ने सारे ही पात्रों के बारे में चर्चा सुनी थी, अध्ययन किया था, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं एकांकी के पात्रों का चरित्र, यानी प्रत्येक पात्र में क्या क्या विशेषताएं हैं चरित्र को लेके, तो उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो इनके पॉइंट के बारे में देखते हैं आप। जैसे कि रविदत्त देवचंद के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है पिछले क्वेश्चन में, अब हम चलते हैं रविदत्त क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1। रविदत्त के क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं हैं? तो रविदत्त में जो है ना पॉइंट नंबर 1 है रविदत्त का कार्य के प्रति जागरूक, कार्य के प्रति जागरूक, ये इसके चरित्र की विशेषताएं हैं मित्रों। और दूसरा है इसका पॉइंट मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी बोलने में बहुत ही मृदुभाषी है, मीठा बोलता है। और तीसरा है यथार्थ वक्ता, यथार्थ वक्ता, यानी आजकल जो समाज में चल रहा है उसी को बता रहा है, कहने वाला है यथार्थ वक्ता। क्या क्या होता है आज के समाज में, किस तरह से बेईमानियां होती हैं, उसी के बारे में चर्चा करता है। और चौथा पॉइंट है इसका बेईमान
जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बताया है, बेईमान विश्वास राखी कर दी गई। पॉइंट नंबर, अब इसके रवि दत्त के लिए मित्रों चार पॉइंट हैं। अब हम चलते हैं दूसरा पात्र जो हमारा है प्रतिमा, जो कि देवचंद की पत्नी है। प्रतिमा में कौन कौन से चारित्रिक विशेषताएं हैं देखेंगे मित्रों। पॉइंट नंबर एक, कुशल गृहिणी। प्रतिमा जो है कुशल गृहिणी है। पॉइंट नंबर दो, संकालु नारी। संकालु नारी यानी पति पर शंका की थी उसने लिली के वहां के आचार को लेके, तो संकालु प्रवृत्ति की है प्रतिमा। नंबर तीन, संवेदनशील नारी। वो संवेदनशील कैसे है, संवेदना यानी दूसरा व्यक्ति किस तरह से वेदना यानी पीड़ा से ग्रसित है, उस पीड़ा को समान हिसाब से समझना। जैसे जो व्यक्ति जिस पीड़ा से ग्रसित है उस पीड़ा को अपने समान ही समझना, उसी को संवेदना कहते हैं। तो ये संवेदनशील नारी भी है प्रतिमा, क्योंकि इसने अपने पति की भावनाओं को समझ लिया है और हक को प्राप्त करने में उसकी सहायता की है। तो आगे देखेंगे पॉइंट नंबर चार प्रतिमा का, चतुर और घर का चिंतन करने वाली नारी। चतुर और घर का शुभ चिंतन करने वाली नारी। शुभ चिंतन करने वाली नारी। इसमें एक पात्र है भाभी, तो मित्रों भाभी के बारे में भी जान लेंगे। तीसरा पात्र जो है गौड़ पात्र, भाभी कौन है, भाभी के बारे में भी जानेंगे। और कमल जो गौड़ पात्र में आता है मित्रों, जो अभी हम रवि दत्त की बात कर रहे हैं, इसने इसकी पत्नी को ही भाभी कहा गया है। रवि दत्त की पत्नी है ये। रवि दत्त की पत्नी भाभी की चर्चा करेंगे। और चलते हैं मित्रों कमल पात्रों में है। कमल और एक है लौकरानी, और उसके बाद में दीदी की मां। आगे निष्कर्ष,
तो मित्रों देखेंगे, जैसा कि मैंने पात्रों के बारे में पहले भी चर्चा की हुई है, तो देखेंगे कि सभी पात्र अपनी अपनी चरित्र की क्या क्या विशेषताएं रखते हैं, उन सभी के बारे में हमें जानकारी लेनी है। इस प्रश्न में यही पूछा गया है आपको, नया पुराना एकांक के पात्रों का चरित्रण, इसमें जो पात्र है ना उनके चरित्रण पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। यानी वैसे तो विस्तार से बता ही चुके हैं सभी के बारे में, लेकिन फिर भी हमें प्रत्येक पात्र के बारे में, प्रत्येक पात्र के चरित्र के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी और चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि प्रतिमा कैसे नेचर की थी और रविदत्त कैसे स्वभाव का था, भाभी कैसी थी, नौकरानी कैसे थी, लिली की माँ कैसे थी और कमल जो कि सिरफरा लेखक है वो कैसे था। तो हम जानना चाहेंगे आगे, देखेंगे सबसे पहले रविदत्त, जो कि जैसे कि हमें देवचंद जो मुख्य पात्र है, तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियोज में, पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है। मित्रों अभी हम चर्चा करेंगे रविदत्त के बारे में। तो रविदत्त का पहला पॉइंट जो है, रविदत्त पात्र है, गौड़ पात्रों में आता है, इसका पहला पॉइंट है कार्य के प्रति जागरूक। ये कार्य के प्रति मित्रों किस प्रकार जागरूक है, तो हमें वही चर्चा करनी है, आगे देखेंगे ध्यान से। रविदत्त, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको, रविदत्त एक वैद्य है, वह और देवचंद लगभग 10 वर्ष से एक ही मकान में इकट्ठे रहते आ रहे हैं। अपनी शादी के अवसर पर देवचंद से रानी हार मांगता है उनको रविदत्त, किंतु फिर वापस करने का नाम ही नहीं लेता। रविदत्त की चारित्रिक विशेषताओं में ये जो बेईमानी की नीयत है ये बार बार झलकती है मित्रों, क्योंकि वो वैद्य जरूर है लेकिन उसकी बेईमानी की नीयत रहती है और वो रानी हार को वापस लौटाना नहीं चाहता है। तो कार्य के प्रति जागरूक ये किस प्रकार है देखेंगे आप आगे, पहला पॉइंट है इसके चरित्र का। रविदत्त वह अपने कार्य के प्रति जागरूक है, वह अच्छा वैद्य है, इसलिए उसके यहाँ चिकित्सा के लिए आने वाले रोगियों की भीड़ लगी रहती है। वह प्रातःकाल ही अपने चिकित्सालय में पहुंच जाता है। आज भी वह समय पर ही तैयार हो रहा था, किंतु देवचंद के आ जाने के कारण समय पर नहीं पहुंच पाया। किंतु जैसे ही कमल आकर उससे कहता है, मैं पूछता हूँ तुम दुकान पर कब जाओगे, मैं माँ जी को वहाँ बैठा आया हूँ और दूसरे रोगी भी बैठे हैं वहाँ। वह देवचंद के बैठे रहने की चिंता किए बिना ही कोने से छड़ी उठाकर अपने चिकित्सालय को चला जाता है। तो इस तरह से, इस पॉइंट से मित्रों हम समझ सकते हैं कि रविदत्त जो है वो बहुत ही कार्य के प्रति जागरूक है, वो देवचंद की फिक्र किए बिना ही वहाँ से उठ के चल देता है और अपने चिकित्सालय पहुँच जाता है, क्योंकि वो जागरूक है कार्य के प्रति, उसे लग रहा है कि हमारे रोगी जो वहाँ बैठे हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है अपने कार्य को गति देने के लिए। तो इस तरह मित्रों हम समझ गए होंगे कि ये कार्य के प्रति किस प्रकार जागरूक है। अब हम बात करते हैं मृदुभाषी पॉइंट नंबर 2 पे। तो ये मृदुभाषी किस प्रकार है मित्रों देखेंगे, रविदत्त जो है एक मृदुभाषी और शिष्ट व्यक्ति है। उसने देवचंद से अपनी शादी के अवसर पर रानी हार लिया, उसने वापस नहीं किया। देवचंद आज हार लेने का निश्चय करके ही उसके पास आता है। देवचंद और रविदत्त के मध्य काफी समय तक वार्तालाप होता है, लेकिन वह न तो कहीं उत्तेजित ही होता है और न ही आवेश में आता है। मित्रों कहीं कहीं मुझे लगता है जो बेईमान व्यक्ति होता है उसको गुस्सा कम ही आता है, ये सच्ची बात है। गुस्सा उसी को आता है जो ईमानदार होता है, क्योंकि ईमानदार को ही गलत बोलने पर चोट पहुंचती है और वो गुस्से में आ जाता है। बेईमान व्यक्ति जानता है कि मैं बेईमान हूँ, कोई सुना लेगा और तो क्या करेगा, इसलिए वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, ज़्यादा उसको आवेश नहीं आता। वही आल यहाँ पर किसका है, रविदत्त का, मृदुभाषी मीठा बोलने वाला है, आवेश में नहीं आता है ना ही उत्तेजित होता है। जब वह जब कमल के आने पर
अपने चिकित्सालय को जाता है, तब देव से शिष्ट और एवं मृदुल वचनों से कहता है, देव तुम भी उठो, नहाओ, कपड़े पहनो, तुम्हारे स्कूल का भी तो समय हो गया है। कितने प्यार से उसको बोल दिया और कुछ आगे चर्चा नहीं की। इससे साबित होता है मित्रों कि मीठा बोलने वाला है, उत्तेजना में आने वाला नहीं है और रविदत्त। अब हम चलते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, यथार्थ वक्ता। यथार्थ वक्ता किस प्रकार है मित्रों, देखेंगे हम रविदत्त किस प्रकार यथार्थ की बात करता है, तो देखेंगे आगे। रविदत्त यथार्थ वक्ता है। आज के अर्थ प्रधान युग में लोग अमानत में खयानत का ध्यान नहीं रखते। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े व्यापार और बड़े बड़े राष्ट्र छल कपट पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, और देवचंद जैसे अमानत में खयानत न करने वाले व्यक्ति जी तोड़कर परिश्रम करने पर भी आराम से रोटी नहीं खा पा रहे हैं। तो अतः वह देवचंद से कहता है कि दुनिया में कौन धोखा नहीं देता, कौन धोखा नहीं करता, ये बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े व्यापारी, ये सब क्या छल कपट नहीं करते हैं? बड़े बड़े नेताओं और विजेताओं की सफलता और ख्याति की नींव क्या कपट और छल पर नहीं रखी गई है? इस तरह से वो आज के युग में मित्रों जो भी सच है, एक्चुअल है, वो ही देवचंद को बता रहा है, कौन? रविदत्त। क्योंकि देवचंद इन बातों को नहीं मानता है, वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता है, वो बहुत ही ईमानदार और सच्चा सरल व्यक्ति है और सत्य प्रिय है, सच बात को ही मानता है, इन बातों पर विश्वास नहीं करता वो। लेकिन रविदत्त देवचंद को ये सारी बातें बता रहा कि आज के युग में कौन ऐसा व्यक्ति है जो झूठ कपट नहीं करता, छल कपट नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता। जितने व्यक्ति बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे व्यापार है, चाहे कुछ भी है, वो सभी आगे से आगे इसी जब सफलता प्राप्त करते हैं तो बेईमानी और छल कपट कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों की नींव होती है, तभी जाकर वो आगे बढ़ पाते हैं। इस तरह की सीख वो किसको दे रहा है? देवचंद को, जो कि निहायत ही ईमानदार है और ऐसी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। इस बात से मित्रों समझ में आ जाता है कि जो रविदत्त है वो यथार्थ रखता है। आजकल जो भी वर्तमान समय में चल रहा है, घटित तो हो रहा है, उसी के बारे में वो बता रहा है। तो आगे देखेंगे बेईमान, जैसा कि हम पहले भी सुन चुके हैं इसके बारे में, बेईमानी, इसकी बेईमानी की कहानियाँ। तो देखेंगे रविदत्त वैद्य है, मृदुभाषी है, जैसा कि हमने अभी चर्चा की है आपसे, किंतु वह विश्वासघाती तथा बेईमान है। विश्वासघाती भी, बेईमान भी है। वह अपने मित्र देवचंद से अपनी शादी के अवसर पर रानीहार ले लेता है, किंतु उसे देवचंद के बार बार मांगने पर भी वापस नहीं करता है, जबकि वह जानता है कि यह रानीहार देवचंद ने अमानत के तौर पर रखे हुए लिली की मां के आभूषणों में से दिया है। देवचंद मित्रता का वास्ता देकर उससे रानीहार के वापस करने के लिए कहता है, लेकिन रविदत्त इस सब की चिंता ही नहीं करता है। स्वयं छली कपटी ही नहीं, अपितु एक सज्जन और ईमानदार देवचंद को भी इसी पाप कुंड में डूब जाने के लिए प्रेरित करता है। इससे मित्रों देवचंद की बातों से साबित हो जाता है कि ये निहायत ही बेईमान व्यक्ति है, इसके कोई भी ईमान नहीं है, इसीलिए देवचंद को भी उसी कुएं में डुबेलना चाहता है, उसी दलदल में डुबेलना चाहता है, ताकि ये बचे हुए गैरों को देवचंद हड़प ले और रानीहार मैं हड़प लूँ। इस तरह की इसकी नीयत खराब हो रही है इसकी रविदत्त की। अब हम बात करते हैं प्रतिमा, जो कि देवचंद की पत्नी है, और इसके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं तो उसमें उससे उन पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है कुशल गृहिणी। ये कुशल गृहिणी किस प्रकार है मित्रों, तो देखेंगे आगे हम कि प्रतिमा जो है कुशल गृहिणी कैसे है। तो बात करते हैं प्रतिमा की। प्रतिमा देवचंद की पत्नी है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है इसके बारे में, तो आप समझ गए होंगे। रविदत्त जब देवचंद को रानीहार वापस नहीं करता तो प्रतिमा की मदद से ही रानीहार प्राप्त करने में सफल होता है। प्रतिमा की चारित्रिक विशेषताओं में पहली विशेषता है वो है कुशल गृहिणी की।
तो ये कुशल गृहिणी है प्रतिमा, वह अपने पति का सदैव ध्यान रखती है। देवचंद रानी हार को वापस लेने के लिए रविदत्त के यहाँ बैठा है। उसे जब यह महसूस होता है कि मेरे पति को स्कूल जाने में देरी हो जाएगी तो रविदत्त के यहाँ आकर उससे कहती है, आप अभी तक बैठे हैं, स्कूल नहीं जाएंगे क्या? और मैं नाश्ता लाने में देर कर दूँ तो आकाश सिर पर उठा लेते हो। चलिए नहाइए धोइए खाना खाइए, माई को चाबियाँ भिजवाइए कि वह समय पर स्कूल खोले। इस तरह से वो कुशल गृहिणी का फर्ज अदा करती है। ये गृहिणी जिस तरह से चिंतित होती है कार्य को लेट होने पर, उसी तरह से ये प्रतिमा भी चिंतित हो रही है। और अभी जैसे कि मैंने बताया था संकालु नारी, पॉइंट नंबर 2, संकालु नारी की किस प्रकार देवचंद पर, उसके चरित्र पर कैसे शंका करती है, और लिली की माँ और देवचंद को लेकर किस प्रकार वो आरोप लगाती है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। मित्रों, संकालु नारी, प्रतिमा एक संकालु नारी है। उसे पहले तो यह शंका है कि लिली की माँ के साथ अनैतिक संबंध होने से जो आभूषण उसके बताए जा रहे हैं वे वास्तव में मेरे पति के ही हैं। देखा कैसे उल्टा उल्टा सोच रही है वो शंका से ग्रस्त होकर के। अतः जब देवचंद यह कहता है कि रविदत्त बड़ा ही धोखेबाज निकला, एक रानी हार पर ही उसका दिल बेईमान हो गया, अलग से तुर्रा यह भी मुझे भी अमानत में खयानत करने की सलाह देता है, कहता है कि सब कुछ चुपचाप दबा जाओ, तो वह तुरंत कहती है अमानत में खयानत कैसी, वह सब तो आप ही का है। देखा प्रतिमा भी शंका करती है कि कहीं हमारे पति के जेवर तो नहीं है वो सारे। उसे अपने पति और लिली की माँ के बीच अनुचित संबंध की आशंका रहती है, इसलिए वह देवचंद द्वारा दी गई सफाई की बातों पर विश्वास नहीं करती है। देखा तो अब विश्वास नहीं करती है, तो जैसा कि देवचंद के चारित्रिक विशेषताओं में अभी हम बता ही चुके हैं आपको कि किस तरह से उसने प्रतिमा को संतुष्ट किया था अपनी बातों से। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, पॉइंट नंबर 3, संवेदनशील नारी। तो प्रतिमा संवेदनशील नारी भी है, उसने अपनी संवेदना को कैसे व्यक्त किया है, किस प्रकार से देवचंद को आगे उसने क्या बोला है क्या कहा है देखेंगे आगे। प्रतिमा संवेदनशील नारी है। जब देवचंद उससे कहता है कि रविदत्त ने मुझे एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है कि मैंने उससे आज रानी हार वापस करने को कहा था तो वह टाल गया, तब वह कहती है दे देंगे, कहीं ले तो जाएंगे नहीं, और 4 दिन पहन लेने दीजिए भाभी को, भाभी मतलब रविदत्त की पत्नी, अभी 4 ही महीने तो हुए हैं शादी हुए, मान के शर्माते होंगे। देखा कैसे एक नारी की भावनाओं को समझ गई है और संवेदनशील, यानी प्रतिमा समझती है कि अभी रविदत्त का नया नया विवाह हुआ है तो उसकी पत्नी को अभी 4 महीने तो हुए हैं आए हुए, तो अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए शायद वो अपनी पत्नी से रानी हार को मांगते हुए सकुचाते होंगे, झिझकते होंगे, इसलिए वो नहीं मांग पा रहे हैं, इसलिए क्या जल्दी है पहन लेने दो, और 2-4 दिन क्या घिस जाएगा उसका। इस तरह से वो संवेदनशीलता दिखाती है, कौन? प्रतिमा। तो आगे चलते हैं मित्रों, आगे बात करते हैं 4th पॉइंट की, चतुर और घर का सुख चिंतन करने वाली नारी। अब देखा मित्रों, ये प्रतिमा जो है किस प्रकार चतुर है और किस प्रकार अपने घर का शुभ चिंतन करती है। प्रतिमा एक चतुर और घर का शुभ चिंतन करने वाली नारी है। देवचंद और लिली की माँ के मध्य उसे अनुचित सामाजिक संबंधों की आशंका है। उधर उसे यह भी भय है कि यदि मेरे पति और लिली की माँ के बीच अनुचित संबंध नहीं भी हैं तो भी आभूषण अपने यहाँ नहीं रखने चाहिए। लेकिन जब देवचंद उससे रविदत्त से रानी हार लेने में मदद के लिए कहता है तो वह एक तीर से 2 निशाने मार देना चाहती है।
वह लिली की माँ के आभूषण वापस करके एक और गांव में पति के लिली की माँ से सामान्य वार्तालाप तक के संबंधों को भी समाप्त कर देना चाहती है और दूसरी ओर इस खतरे से भी मुक्त कर लेना चाहती है कि यदि आभूषण हमारे यहाँ से किसी प्रकार चोरी चले गए तो हम जीवन भर परेशान रहेंगे। इस तरह अंततः उसके सहयोग से ही रविदत्त की पत्नी से रानी हार प्राप्त कर लिया जाता है, क्योंकि तो प्रतिमा रविदत्त की पत्नी के पास जाकर ही उससे बातचीत करके प्यार से बोल के और रानी हार वापस मांग लेती है, जो ऐसा रविदत्त देवचंद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका मित्र बेईमानी की नियति से हार को हड़प जाना चाहता था। अब हम बात करते हैं भाभी। भाभी कौन है मित्रों? जैसा कि मैंने अभी बताया था, रविदत्त की पत्नी भाभी, उनका क्या नेचर है, उनका क्या आचरण है, देखेंगे हम आगे। तो भाभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं है भाभी के बारे में इस एकांकी के अंदर। तो देखेंगे, भाभी रविदत्त की पत्नी है, यह एकांकी की एक गौड पात्र हैं। रविदत्त ने अपने मित्र देवचंद से रानी हार अपनी शादी पर उसी को पहनाने के लिए लिया था, तो उसी के बारे में वह आभूषण प्रिय है। कौन? भाभी। उसको आभूषण पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए तीज के त्यौहार पर समस्त आभूषण पहनकर जाना चाहती है। और वह भोली और सरल हृदय है, इसीलिए प्रतिमा की बातों में आ जाती है और अपना रानी हार मेले को जाते समय उसी के यहाँ छोड़कर चली जाती है। देखा मित्रों, जो देव रविदत्त की जो पत्नी है वो बहुत ही सरल हृदय है, बहुत ही भोली है, और वो इस तरह का देव रविचंद्र की रविदत्त की तरह सॉरी नहीं सोचती है, वो बेईमान प्रवृत्ति की नहीं है महिला। तो भाभी भी बहुत अच्छी है गौड़ पात्रों में और अच्छी है, इसीलिए उसने हार वापस लौटा दिया है और बिना विचार किए बिना कुछ कहे। तो आपने समझ लिया होगा कि भाभी किस तरह से है। अब हम बात करते हैं मित्रों कमल। गौड पात्रों में कमल जो है, तो कमल एक लेखक है, ये कमल लेखक है। तो बात करते हैं हम कमल की मित्रों, कमल कैसा है। कमल भी एकांकी का एक गौड़ पात्र है मित्रों। वह रविदत्त से दुकान पर चलने को कहता है, क्योंकि वह वहाँ पर माँ जी को छोड़ आया है, यानी अपनी माँ को छोड़कर आया है कुछ दवा लेने के लिए, और वहाँ दूसरे रोगी भी बैठे हैं। उसके चरित्र पर देवचंद के इस कथन से प्रकाश पड़ता है, कमल वह सिरफिरा लेखक उसकी संगति ने तुम्हें इतना गिरा दिया है कि आज तुम बदनीयती की खूबी समझने लगे हो। हरि कृष्ण की दुकान से मैंने उसे 20 रुपए की किताबें देकर 20 रुपए की किताबें लेकर दी, आज 1 साल होने को आया है, उसने 1 पैसा तक नहीं दिया। दुकानदार के तगादों से नाक में दम आ गया। मैंने कमल से उसका हिसाब चुकाने को कहा तो हंसकर बोला, इन पूंजीपतियों के रुपए मार लेना अनुचित नहीं है मित्र। इस तरह से उसने जवाब दिया किसको? देवचंद को। देखा तो कमल किस तरह से, वो भी यूं ही बेईमानी की नीयत रखने वाला लापरवाह व्यक्ति है ना। तो आगे हम बात करते हैं मित्रों नौकरानी की। नौकरानी जो कि एक सेविका जिसको कह सकते हैं, जो लिली की माँ है। लिली एक छात्रा है उसके स्कूल में, किसके में? देवचंद के स्कूल में एक छात्रा है, तो उसी की माँ वहाँ सेविका का काम करती है, उसी की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, जैसा कि प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल देवचंद के स्कूल की नौकरानी नया पुराना एकांकी की अत्यंत गौड़ पात्र है, फिर भी एकांकी में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह ही लिली की माँ को नौकरानी जो कि साफ सफाई का काम वहाँ करती है स्कूल में, और लिली की माँ अलग से, तो वह ही लिली की माँ को अविलंब देवचंद के यहाँ लेकर आती है। कौन? उस स्कूल की नौकरानी, और फिर तुरंत चाबी लेकर जाती है और स्कूल खोल देती है। वह एक कुशल सेविका भी है, आज्ञाकारिणी भी है,
परिस्थितियों को समझने वाली भी है और मालिक का हित साधने वाली भी है। कौन? नौकरानी। उसके स्कूल की जो नौकरानी है वो सभी तरह से अच्छी है और हमेशा अपने मालिक का हित सोचती है। तो आगे हम बात करेंगे मित्रों लिली की माँ की। लिली की माँ कैसी थी? लिली देवचंद के, लिली जैसा कि मैंने अभी बताया था कि देवचंद के स्कूल में छात्रा थी वो, तो पढ़ती थी वहाँ। उसकी माँ अपने 50-60 हज़ार मूल्य के गहने देवचंद के पास अमानत के रूप में रखती है, क्योंकि उसका शराबी पति, किसका शराबी पति? लिली की माँ का पति यानी लिली का पिता शराबी है। तो शराबी होने के कारण वह गहने को बेच सकता है, इसलिए लिली की माँ काफ़ी समझदार और सुशील है। वह चाहती है कि जब लिली विवाह योग्य हो तो उस समय के समय ये गहने काम आए और उसका विवाह किसी संभ्रांत परिवार में हो सके। उसे अपने पति पर विश्वास नहीं रहता है, वह देवचंद पर पूरा विश्वास करती है। उसमें भले बुरे आदमी को पहचानने की क्षमता है। वह देवचंद और प्रतिमा के स्वभाव से परिचित है। लिली के प्रति उसकी वत्सलता स्वाभाविक है। एकांकी में उसके चरित्र का संक्षिप्त चित्रण हुआ है, ज़्यादा कोई विस्तार से चित्रण नहीं किया गया है मित्रों। तो छोटा सा कोई जानकारी दी है लिली के माँ के बारे में, ज़्यादा कोई चर्चा नहीं हुई है एकांकी में। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि नया पुराना एकांकी के सभी पात्रों के चरित्र चित्रण, चरित्र निरूपण में एकांकी के लेखक जो हैं उपेंद्रनाथ अस्क, उनको पूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने सभी लेखकों के सभी पात्रों के बारे में जैसा कि वो व्यवहारिक तौर पे और गुणों के तौर पर जैसे हैं वैसे का वैसा ही उन्होंने विवरण करके निरूपण करके ये साबित कर दिया है अस्क जी ने कि ये बहुत ही अच्छे एकांकीकार हैं, बहुत ही अच्छे नाटककार हैं। इन्होंने इस नया पुराना एकांकी को विस्तार से पात्रों के माध्यम से हमें समझा दिया है, अवगत करा दिया है। तो मित्रों हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है।